मसीह की जय। हम अपना धर्मशास्त्र खोले, बाइबल को खोलेंगे, आइज़ाया चैप्टर 7। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक वारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगी। और फिर हम लोग लूक चैप्टर 1:34-35 मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। 38 मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। ये प्रार्थना करते कि तेरा वचन परमेश्वर तुम हमें अभिषेक कर कि तेरा वचन मैं लोगों को तक पहुँचा सकूँ और तेरा आशीष हरे के ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज मेरा जो शीर्षक है वो है कि प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश पहले और बाद में एक अनोखा है। हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश जो पुराना नियम में भविष्यवाणी किया गया था वह पूरा हुआ नया नियम में। और जबकि हम मरियम की ओर देखते हैं कि वो एक कुंवारी थी और वो जब गर्भवती हुई तो जो जोसेफ राज उसके पति था पर वो प्रभु यीशु मसीह की पिता नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि जो जूविश शादी है यानी मैरिज, वो तीन स्टेप पे रहता है। पहला है कि दो परिवार अग्री होते हैं, ये जो जोड़ी बनता है। और दूसरा है वे लोग पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, सबको बताते हैं ये इसके विषय में कि ये मंगेतर है स्पाउस। और ये जैसे अभी के दिन में हम बोलते हैं एंगेजमेंट है, उस तरह वहाँ पर जूस कस्टम में रहा है कि जो कुछ वो लोग जब एंगेजमेंट होता है या तब वो लीगल हो जाता है और वो केवल एक ही तरह से दो ही तरह से हो सकता है, अगर एक पर्सन मर जाए या डिवोर्स, दो ही तरह से एंगेजमेंट या मंगनी उसी तरह से होता था। और ये जो सगाई है या मंगनी है, जोसेफ और मेरी को हुआ था। और जब मरियम गर्भवती हुई तो जोसेफ सोची ये क्या है, ये बहुत अनफेथफुल है यानी विश्वास योग्य नहीं है। और हम जानते हो उस जूश कस्टम में जब एक कुंवारी लड़की गर्भवती होती है तो दो चीज रहता है उसके, जो जूश कस्टम है उसमें वे लोग पथरवा करते थे, उनको मार देते थे। और यहाँ पे मेरी और जोसेफ के जो हम देखते हैं कि जब इनका मंगनी और जब जोसेफ जाना कि मेरी गर्भवती है तो कोई भी आदमी अपना पति को शक करेगा, सोचेगा क्या हुआ, ये तो मेरा है नहीं, मैं इनका, तो कैसे हो सकता है। यहाँ पर मेरी जो थी वो जोसेफ से बताया कि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं गर्भवती हूँ, तो वो थोड़ा सोचने के बाद हो गया था उठ में।
और अगर एक लड़की कुंवारी लड़की गर्भवती है तो एक सोसाइटी में एक स्टिग्मा हो जाता है ना, एक धब्बा बन जाता है। और तो यहाँ पे जोसेफ सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, अगर वो उसके राइट रहा कि वो डिवोर्स कर सके, और फिर दूसरा है कि वो जीवित कसम में है उसको पथरवा कर दे। सॉरी, हम देखें कि ये जो कुंवारी वर्जिन बर्थ यानी कुंवारी से जन्मा क्यों हम मसीही विश्वास में यह खास है, इम्पोर्टेंट है। हम देखें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो एक पाप रहित था, उसमें कोई कलंक नहीं था, वो इंसान बनकर आया, इस पृथ्वी में जन्म लिया और उसमें कोई कलंक नहीं था। और जब हम देखें आदम को, एडम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें कोई पाप नहीं था, बट बाद में जब वो पाप किया तो हम उनके द्वारा सब लोग हम लोग पापी ठहराए आदम के द्वारा। तो कोई एक निष्कलंग अवतार की जरूरत रहा जो हमें पाप से छुटकारा दे सके। और यहाँ पे हम देखें कि परमेश्वर ने तैयार करा कि उसका पुत्र मेरी के द्वारा उत्पन्न हो। प्रभु यीशु मसीह एक डिवाइन, फुली डिवाइन यानी पवित्र और पूरा इंसान, ये मनुष्य था जो पृथ्वी पैदा हुआ, पूरा मनुष्य, और फिर भी वो परमेश्वर का पुत्र रहा और डिवाइन रहा, देवी रहा। और यीशु मसीह यहाँ इस पृथ्वी में एक मनुष्य की तरह वो रहा और वो हम सब के विषय में समझता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा स्ट्रगल है वो भी जानता है, बिकॉज वो पृथ्वी में रहकर वो सब एक्सपीरियंस करा है ना, वो अनुभव करा, क्योंकि वो परमेश्वर था, उसके पास शक्ति था और उसके पास अथॉरिटी भी रहा कि हमें पाप से छुटकारा दे सके। हम अब उसके प्रभु यीशु मसीह को अपना थॉट्स है ना, विचार, हमारा फीलिंग्स जो है, जो हमारे ज़रूरतें हैं उसको हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि वो हमें मदद कर सकता है और कोई नहीं। जब हम दुख मुसीबत से गुजर कर जाते हैं कोई हमें नहीं समझता है, प्रभु यीशु मसीह समझेगा, क्योंकि वो भी उस समस्या से होकर गया था। अब हम जोसेफ के विषय में देखें, जोसेफ वो तो मीन ही फेस टू डिफिकल्ट चॉइसेस है ना, दो मुश्किल चुनाव उनके करना पड़ा। जब वो जाना कि मरियम गर्भवती है, क्योंकि वो जानता था मेरी उसे मरियम उसे बता दिया कि वो गर्भवती है, बट वो मांगता रहा चुपे से प्रभु यीशु मसीह मरियम को छोड़ दे, यू नो, और जानता रहा कि कितना ह्यूमिलिटी वो सहना पड़ेगा, यू नो, नीचा समाज में उसको नीचे सोचेगा। बट वो चुना जो फरिश्ता आकर उसके बताया है कि डरो मत, जो कुछ मरियम के गर्भ में हो वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, तुम उससे शादी कर लो, यू नो, उसके एक हुक्म मिला रहा। और अब हम देखें कि जोसेफ के पास वो क्वालिटीज रहे, मैडवर क्वालिटीज, पहला रहा स्टेन प्रिंसिपल, नीड द वर्ल्ड, बस मैथ्यू वर्स 19, सो उसने उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था
और उससे बदनाम करना ना ही चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। और फिर सेकंड हम पढ़ते हैं कि डिस्क्रिशन सेंसिटिविटी, और थर्ड रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गॉड। वर्स 24, सो यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। सो वो जो फरिश्ता आकर बताया उसके स्वप्न में कि डरो मत, मरियम को ले लो, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तब जोसेफ ने उसको स्वीकार किया और उससे शादी की और अपने घर पे लाए। और फोर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन, ने अपने आप को वह संभाला। वर्स 25, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। और जोसेफ ने मरियम के पास नहीं गया जब तक कि मरियम ने पुत्र न जनी। जो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा ताकत है, उसको हम अपना विश्वास पे कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे नापते हैं कि हम कितना विलिंग है परमेश्वर के लिए सफा करके, जो हमारा विश्वास है उसमें सफा करने के लिए, इन्हें दुख सहने के लिए। हम देखते हैं कई जगह पे क्रिश्चियंस लोग को मारा गया, यू नो किल्ड ना, क्योंकि उन पर अपना विश्वास पे अटल रहे। या आज भी हम भी अपना विश्वास पे अटल रहे। जोसेफ अपना विश्वास में अटल रहा और वह जानता रहा कि समाज में उनका कैसे व्यवहार मिलेगा, किस तरह से होगा, कितना डब्बा लगेगा। तो भी वो सब होने पर भी वो मरियम को अपने यहाँ ले आया और वो सही काम किया। जब मरियम जोसेफ के बताए कि वह प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, तो जोसेफ जानता रहा कि उसका बच्चा नहीं है, बट वो रिस्पेक्ट किया है, यू नो आदर किया है मरियम की करेक्टर पर, यू नो उसके चित्र पर, और उसके जो कुछ वो बताया, क्योंकि जो फरिश्ता था आकर उसको बताया कि जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से, डरो मत। और वो जानता था यू नो समवन वो दूसरे के बच्चा है और उसको डिफिकल्ट रहता है एक्सेप्ट करे के, बट वो एक्सेप्ट किया क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर का पुत्र है, है ना। उसमें जो सब सोच रहा था कि वो जो एंगेजमेंट है, जो मंगनी है, उसको तोड़ने के लिए, बट फिर वो डिटरमिन किया कि वो परमेश्वर के बात सुनेगा और उसे करेगा जैसे परमेश्वर चाहता है। जोसेफ के विषय में हम देखते हैं, खाली एक लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि जब जीसस 12 साल के रहा तब वहाँ पर वे लोग हर साल जाते थे मंदिर में जो भेंट चढ़ाने के लिए पासोवर। और उसके बाद जोसेफ के विषय में हम नहीं पढ़ते हैं, बट हम एक चीज़ ख्याल करते हैं कि जोसेफ जीसस को अच्छी शिक्षा दिया परमेश्वर के विषय में उसको, ना और फिर जो कारपेंट्री वो रहा, क्योंकि जोसेफ कारपेंटर था, वो उसको सिखाया और उसके अच्छी तरह से किया। और हर साल जब जोसेफ परिवार जाते थे मंदिर में अपना भेंट चढ़ाने के लिए पासओवर टाइम, तो जीसस भी जाता था, और जब बड़ा भी हो गया तो भी वो वही चीज करता रहा। एक चीज जोसेफ जानता रहा कि यीशु मसीह एक स्पेशल खास बच्चा है, और वो अपना विश्वास में अटल रहा। और वो बोला था जोसेफ वॉज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, ईमानदार आदमी था। वो डेविड के लाइनेज में उसके डिसेंडेंट रहा किंग डेविड के,
और जीसस के लीगल फादर और एथली फादर रहा, लीगल एंड एथली फादर, और वो हर वक्त परमेश्वर की गाइडेंस यानी हेल्प नीड करता रहा और विलिंग टू डू बेटर इन गवर्नमेंट, चाहे कुछ भी हो वो चाहता रहा कि जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि वो करे। ये हमारे जीवन में एक शिक्षा मिलता है, वी लर्न कि गॉड ऑनर्स ईमानदारी, ना गॉड ऑनर करे हम जब ईमानदार रहते हैं। सेकंड है, जब हमारे पोजीशन इज नाउ डजंट मैटर, है ना, लिटिल इम्पोर्टेंट, बिकॉज गॉड जो हम लोग चुनता है और वो हमें चाहता है यूज करने के लिए है, तो हम पहुंच गए कि ओबीडियंट रहे उसके गाइडेंस में और गॉड हमें तब गाइड करेगा, हेल्प करेगा। जो हमारा अनुभव आई मीन फीलिंग्स है उसको हम लोग कैसे मेजर करें, है ना, नहीं सकते हैं। बट एक चीज हम लोग कर सकते हैं, राइटस और रोंगनेस, चाहे हम राइट है या रोंग है, हमारा एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है ना। जोसेफ के मध्य दो ही ऑप्शन रहा ना, चाहे डिवोर्स कर ले चुपके से और जाकर समाज में बताए तो मेरी को पत्थरवा कराए दे, तो मैंने, बट गॉड हैड अ थर्ड ऑप्शन और वो रहा कि मेरी से शादी कर लो। वर्स 19-23 मैंने पढ़ दिया है और देखे कि जोसेफ जीसस के अपना पुत्र सब कुछ उसके लिए किया और जीसस के जो बच करा देखा कि बहुत ही अनोखा डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट तरह के है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र रहा और उसके जो मेंटलिटी ज्ञान रहा, बुद्धि रहा, बहुत अनोखा रहा। और जीसस मीन्स सेवियर यानी हमारा उद्धार करता, और वो आया हमें पाप से बचाने के लिए, और केवल एक ही यीशु मसीह जो निष्कलंक होता रहा और कोई नहीं, और हम यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकते हैं उसी के कारण आज सब यहाँ हैं हम, हम बच गए क्योंकि यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा दिया, वो क्रूस पर जाकर अपना जान दिया कि जिससे हम पापी मनुष्य बच सके। अब हम मरियम के विषय में देखेंगे। मरियम जो था मेरी एक गरीब घर के एक महिला थी और उसमें जब गरीब घर के तो कोई पूछता नहीं है ना क्या होता है, कोई यूज नहीं करे मांगे, बट यहाँ पे हम देखें कि परमेश्वर ने मेरी को चुना। और एक ही बहुत ही अनोखा चीज है ये टास्क है, वो मांगे यू नो यंग गर्ल्स जाए कैसे प्रेगनेंट हो जाए, फिर सोसाइटी में इतना बदनाम है, बट मेरी जो रहा वो रेडी रहा सब सहने के लिए, क्योंकि वो कहा कि मैं तैयार हूँ। कभी कभी हम सोचता है तो हम पढ़ा लिखा नहीं है, वो हम ये हमारे पास चलन नहीं है कि कैसे हम यूज करें, बट गॉड मांगे यूज करें हमें सबके, इसलिए हमें चुना है। कोई भी कार्य है अगर हम लोग विलिंग है परमेश्वर के कहना को मानने के लिए तो परमेश्वर हमें यूज करेगा, बट जब तक हम लोग तैयार नहीं रहेंगे अपने आप को परमेश्वर के देंगे नहीं तो परमेश्वर कैसे हम लोग को यूज करे। कभी कभी हम लोग के पास ढेर एक्सक्यूजेज रहे ना, वो हम नहीं जानता ही करे वो हम नहीं है ना, बट गॉड हम लोग के देखे कि हम लोग अवेलेबल है कि नहीं, हम तैयार है कि नहीं, तभी परमेश्वर यूज कर सके, है ना। गॉड के फेवर ऑलवेज रहे हम लोगों पर अगर हम लोग तैयार रहता है उसके सुनने के लिए। हम देखे कि जो गॉड के अनाउंसमेंट है स्पेशल चिल्ड्रन के जो बेबीज लोग बोर्न हुए हैं, फर्स्ट रहा देखेंगे सारा के विषय में, अब्राहम और सारा के, सारा के जब मिला उसने कि वो गर्भवती होगी एक बच्चा जनेंगे तो वो हंसा ना, शी लाफ्ड। मानुआ सैमसन के फादर जब वो सुना कि उसके जब स्वर्गदूत आकर बताया कि उसकी वाइफ एक बच्चा जनेगी तो वो कौन सी घबराई गए ना, पैनिक करे लगी। उसे कराया जो जॉन द बैप्टिस्ट के पिता था, जब उसको बताया गया कि उसके वाइफ एक बच्चा जनेगी तो वो क्या गया,
वो संदेह करने लगा ना, डाउटर मेरी, अगर हम देखते हैं तो अपने आप को अर्पण की ना, शी सबमिटेड, और वो विश्वास की जो फरिश्ता के बाद, और वो तैयार थी जो परमेश्वर का पुत्र उसके जन्म के लिए। कितना इम्पोर्टेंट है ना, गॉड इज एबल टू डू इम्पॉसिबल। परमेश्वर जो होनी है उसको होनी कर सकता है ना। हम लोग का रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स टू हिज डिमांड शुड नॉट बी लाफ्टर पिया और डाउट बट विलिंग एक्सेप्ट, राइट। अब हम लूक चैप्टर 2:1-7 उन दिनों में अस्तर कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाए। यह पहले नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नाजरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने का दिन पूरा हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी, और उसने कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। हम इस संसा के विषय हम अच्छे से समझते हैं कि फिजिम भी संसा हुए तो वे लोग घर में आकर एक एक घर में जाकर और वे संसा करते, कितने जन आते हैं, क्या करते हैं सब। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर रोमन संसा में वे लोग जो संसा करते थे तो वे लोग चाहते थे कि जो मिलिट्री लोग उनको मदद करने के लिए, बट एक चीज़ रहा कि वे लोग यहूदी लोग को मिलिट्री में नहीं आने देते थे, बट उन्हें टैक्स भरना पड़ता था, टैक्स से कोई बचता नहीं, फिजिम भी हमें टैक्स भरना पड़ता। तो वे हम पर हम देखते हैं कि जो मरियम और जोसेफ थे वे दोनों बैतलहम के रहने वाले थे और वे दाऊद के वंश के थे, तो उनको बैतलहम को जाना पड़ा था अपना नाम लिखवाने के लिए। और जो अगस्त कैसर का जो डिक्री था कि वो ऐसा समय हुआ कि जब मरियम के समय भी पूरा हुआ और उस संसा के थे वे लोग बैतलहम नगर को गए हुआ। और यहाँ पे गवर्नमेंट इतना ऐसे कि एक लंबा सफर था वे लोगों को जाने के लिए बैतलहम को। यहाँ पे हम लोग के छोटा देश, हम लोग बहुत चलते नहीं है तो हम लोग मोटर बस में चले जाते हैं। वहाँ उस समय वहाँ बस मोटर गाड़ी नहीं रहा, वे लोग गधे पे बैठ कर और इतना लंबा सफर करते थे, और मालूम एक ही गधा था, मरियम उस पर बैठी थी और जोसेफ चलकर दोनों ऐसा उबर खबर रास्ता में वे लोग गए बैतलहम को। अभी तो बहुत सुंदर रास्ता है वहाँ पे बैतलहम में, बट उस समय वे लोग ऐसा तासील रास्ता नहीं रहा। और सोचो उतना भारी इन गर्भवती घड़ू, और वे लोग उस बैतलहम को गए, और वहाँ पर जब वे लोग पहुँचे तब मेरी का जब समय पूरा हुआ और वहाँ हुआ एक पुत्र जनी। और स्वेडलिंग क्लोज, बाइबल बताता है कि स्वेडलिंग क्लोज कपड़े में लिपटा, और जानते हो स्वेडलिंग क्लोज क्या होता है, वे लंग स्ट्रिप जैसे बैंडेजेस रहे, लंबा लंबा स्ट्रिप्स रहे, वैसे ये कपड़े रहे, और वे लोग पूरा बेबी को उसमें लपेटते थे। और उसमें क्योंकि वह भले सुरक्षित है और उसको गर्म रखेगा, और अभी भी मिड ईस्टर्न कंट्रीज में वे लोग प्रैक्टिस करते हैं जो स्वेडलिंग क्लोथ को बेबी को लपेटते हैं कि उनका जो ऑर्गन्स है सब है सुरक्षित रहे। और मैंजा हम लोग क्रिसमस कार्ड में देखते हैं, सुंदर चित्र दिखाई देता है मैंजा ना, और साफ सुंदर, बट जब हम लोग असली पिक्चर हम लोग जब देखते हैं तो जो मैंजा रहा वो जो सुरंग था कई उसमें
दीवार में वे लोग खोद कर और वहाँ पर वो लोग है रखते थे कि गाय बैल है जो आकर वहाँ पर खाते थे। और साफ नहीं था मैला, जहाँ जानवर रहता है साफ नहीं रहता अन्य साफ के, और वहाँ पे परमेश्वर का पुत्र का जन्म हुआ। और जो ज्यूइश पीपल लोग थे, इज़राइलीज़, वे लोग सोचते थे कि जब उनका मसाया आएगा तो राज्य में नो पैलेस में जन्म लेंगे, बट ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था एक दीन जगह पे ना, हम्बल प्लेस में। और क्या होता है कि कोई भी यीशु मसीह के पास आ सकता है ना। अगर महल ताज उसमें रहता ना पैलेस में, तो गरीब दुखिया वहाँ नहीं जा सकते, अलाउ नहीं करते हैं। बट यीशु मसीह ऐसा जगह पैदा हुआ कि सब लोग उसके आ सकते। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें भी सब्र करता है कि कब हम उसके पास आए। वो नहीं देखता हम कितना पढ़ा लिखा है, कितना धनवान है, कितना गरीब है। कोई भी स्टेटस हमारे पास है, यीशु मसीह तैयार है हमें एक्सेप्ट करने के लिए। हम जीसस के जो बर्थ है, उसका जन्म एक मिरेकल है। हम थ्री फैक्ट्स देखते हैं दैट विल हम लोग के हेल्प करेगा हम विश्वास में। पहला है जो बुक किताब लिखते हैं ना, गॉस्पल ऑफ लूक, जो लूक रहा वो एक डॉक्टर रहा, मेडिकल डॉक्टर रहा, और वो जानता रहा कि कैसे एक बेबी बनता है, और उसके विश्वास करना थोड़ा मुश्किल रहे। बट हम जानते हैं कि वो मेरी से बातचीत किया और वो सही चीज लिखा बाइबल में कि हम लोग जाने कि एक्चुअली कौन सी होता है ना। वो जो लुक रहा डॉक्टर लुक, वो रिसर्च किया और सब चीज अपना आँख से भी देखा, सब करके एनालाइज करके तब फिर वो ये बुक लिखा। जो क्रिश्चियंस है एंड जूस यू नो, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो हम लोग का जो परमेश्वर है, वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, वो सब सारे पृथ्वी को बने, उसके पास हम देखते हैं कि शक्ति है, सामर्थ्य है कि हम एक बच्चा को बना सकता है एक वूम में, है कि नहीं। हम लोग के सिर जाए सबको ऐसे बनाया है ना, पर एक बच्चा को वो घर में भी क्रिएट कर सकता है, और पाप रहित, कोई वो स्त्री से जन्मा है बट वो पाप रहित, बिकॉज मनुष्य इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप नहीं रहा एक ही, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से गर्भ। कभी कभी सोचे कैसे हो सकता है, बट परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम लोग के दिमाग हम लोग सोच फर्क है, परमेश्वर का और कुछ है। क्या आप यीशु मसीह के अभी भी एक महिंजा में सोचते एक छोटा बच्चा है कि क्या वो आपका प्रभु है? सोचे थोड़ी देर, हम लोग जब पीछा करते हैं, जब नेगेटिविटी सीन देखते हैं, तो क्या हम वही इस तरह सोचते हैं कि यीशु मसीह आज भी इस छोटा बच्चा कि क्या हुआ आपके प्रभु है? पहले हम देखें कि कौन पहला पीपल रहा जो यीशु मसीह के पैदाइश के विषय में सुना, तो ऐसा क्या बताएं, कौन पर्सन, कौन पीपल लोग रहा फर्स्ट यीशु मसीह के पैदाइश के विषय में परिस्ता आकर बताया। शेपर्ड्स गड़ेड़िए पहला पुत्र वहाँ पे परिस्ता गया और वो उनको बताया है कि आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। शायद ये जो शेपर्ड्स रहे अपना जो शीप है जो बलिदान के लिए शायद देता रहा। जॉन 1:16 हु विल कहता है Jesus is a lamp of God who taketh away the sins of the whole forever, na? वो शेपर्ड को पहले अनाउंस किया और शेपर्ड लोग आए और उनके प्रभु यीशु मसीह के देखे और वहाँ उनको दंडवत किए। फिर दूसरा हम देखेंगे कि सेकंड पीपल लोग जो आए और देखे प्रभु यीशु मसीह को वहाँ दंडवत किए, वे वाइस मैन।
और ये शायद प्रभु यीशु मसीह उस समय शायद एक या दो साल के रहा, और वे लोग तारा देखकर और खोजते हुए यीशु मसीह को खोजते हुए आए, और पहला पसंद के वे लोग गए देखे वह हेरोद के लिए। हेरोद के पास गए तो हेरोद वहां के किंग है, और अगर वो सुने कि ये कोई किंग बोन भाई से, उसके दिमाग में क्या आई कि वो हमारी जगह ले ले, है ना, हमारा थ्रोन ले ले। पर यीशु मसीह उस कारण से नहीं आया किसी के थ्रोन, यीशु मसीह केवल चाहता है उसका हृदय कि वह आकर उसमें वह निवास करे। तो यह जो वाइज मैन रहा उनको बताया कि जाओ देखो और फिर लौट के आकर मुझे खबर। वो देखने नहीं चाहता था, वो सोचा कि कहीं हमारा थ्रोन ने नहीं दिया तो उसको जान से मारने के लिए। बट हम जानते हैं कि परमेश्वर अपना जो है सबको ख्याल करता है और सही रखता है ना। ये वाइज मैन लोगों ने हम लोग जाने शायद तीन कंट्री डिफरेंट कंट्री से आए हुए, या वे लोग जो जीविश लोगों को एग्जाइल कर दिया था वे लोग से, या शायद जो ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स रहे वे लोग जो स्टडी करे स्टार्स देख कर मीन्स के वे लोग। बट ये स्पेशल मैसेज उनके लिए है, वे लोग आए कि उनको तारा देखकर और वो फॉलो करते करते बेतलेहम के आए। और वे आकर क्या किए, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत के लिए, और वे लोग खाली हाथ नहीं आए, क्या ले, सोना मूर लोबान, ये तीन चीज वे लोग लाए। और हम ये देखेंगे जो सोना है वो गिफ्ट राजा के लिए ना, गोल्ड फॉर द किंग। दूसरा है फ्रैंकिंसेंस या लोबान, लोबान था जो गो फॉर डेइटी, जो यू नो उधारकर्ता के लिए उनके लिए रहता है। और जो मह है वो स्पाइस जो एक बॉडी को अनोइंट करते हैं, यू नो जब पर्सन मर जाए उसको उन्होंने कर ना बम गए, तो ये तीन बरी करे करते हैं। ये तीन गिफ्ट वे लोग लाए और वे लाकर और उनको देकर और वहाँ यीशु मसीह को दंडवत करे, और ये सच्चा वर्शिप रहा उनके लिए ना, एक बालक के लिए आकर हुए, क्योंकि वे जानते थे कि एक उद्धारकर्ता एक राजा उत्पन्न हुआ है और उसको वे लोग लाकर और धन्यवाद करें। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा एक ऑलमाइटी गॉड है ना, उद्धारकर्ता, और वो दी है हम लोग के प्रेस से, हम लोग उसके आराधना करें उसको स्तुति करें। Finding Jesus means maybe responsive and obedient to God's word. क्या आप तैयार है यीशु मसीह के सेवा करने के लिए, क्या आप तैयार है अपने आप को उसको अर्पण करने के लिए। यीशु मसीह आज भी अगुड़ता है कि कब हम अपने आप को उसको पूरी तरह से दे दें, क्या केवल हम आते जाते रहे कि हम सचमुच यीशु मसीह के कहें कि हाँ यीशु मसीह हम तैयार है, मेरी की तरह मैं तैयार हूँ मुझे स्वीकार। और आज हम यह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करेगा जब हम तैयार रहेंगे उसके सेवा करने के लिए, क्योंकि वो आया है हमें उधार देने के लिए, हमें बचाने के लिए पाप से, और हमें एक नया जीवन देने के लिए, और फिर हमारे लिए वो स्वर्ग में जगह तैयार करता है कि हम तैयार हैं। ये क्रिसमस का बुध को हम लोग ना वेंसडे को हम लोग क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन है। जब कोई के बर्थडे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उपहार लेकर जाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, बट नहीं हम लोग उल्टा है ना, यीशु मसीह का जन्मदिन बट हम एक दूसरे को गिफ्ट दें। अगर आपका जन्मदिन है और कोई आपके गिफ्ट नहीं दे दूसरे को दे, बोले ओ उसके बेहतर है तुम ले गिफ्ट ले लो, तो हम लोग के दिल में थोड़ा वो है ना। बट यीशु मसीह आज भी तैयार है कि वो हमें एक गिफ्ट देता है, वो जीवन है, वो जीवन देता है, अनंत जीवन। बट हम
थोड़ा इधर उधर चला जाते हैं, हम लोग तैयार नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं इस क्रिसमस हम लोग डिसाइड करें कि हाँ हम सचमुच यीशु मसीह ये क्रिसमस के लिए मैं कुछ देना चाहते हूँ। या आप अपने हृदय अपना जीवन या सेवा करना योर सर्विस योर डिजायर्स वही यीशु मसीह चाहता है, आपका हृदय आपका जीवन आपका सर्विस और आपका जो डिजायर्स है प्रभु यीशु मसीह वही चाहता है। इस क्रिसमस के हम लोग यही कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं तैयार हूँ अपने हृदय को आपको देने के लिए अपना जीवन को, क्योंकि और यीशु मसीह हम क्या दे सकते हैं कुछ नहीं, पर केवल अपना हृदय अपना जीवन अपना जो सर्विस है और अपना जो इच्छा है वो परमेश्वर के हाथ में देगा। तो परमेश्वर हमें और आज यही हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम तैयार हैं अपने आप को दे। मरियम के अगर देखेंगे कि वह तैयार थी अपना आप को दे के, वो कॉन्सिक्वेंसेस जानती थी कि क्या होगा, बट वो तैयार थी। और जब हम मरियम के विषय में देखते हैं तो वह कहता है अ ब्लेस्ड वुमन, है ना, ब्लेस्ड वुमन। और यीशु मसीह आज भी हमें कहता है कि हम अपने आप को उसके हाथों में दें, क्यों नहीं हम खड़े जाए और परमेश्वर के धन्यवाद देते कि परमेश्वर आज हम तैयार है अपने हृदय आपको देने के लिए पूरी तरह से, और अपना जीवन और अपना जो सर्विस है सेवा करने में सेवा करने के तैयार हूँ, और अपना इच्छा सब परमेश्वर के हाथ में दे, परमेश्वर हमें मदद। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम धन्यवाद देते आज के दिन, परमेश्वर हमारे पास कुछ है नहीं जो हम आपको दे सकते हैं, बट एक ही हम कर सकते हैं परमेश्वर, कि अपने जीवन को अपने हृदय को और सेवा और अपने इच्छा सभी को परमेश्वर हम तेरे हाथों में दे सकते हैं। और इस क्रिसमस को यही कह सके कि परमेश्वर तू महान है, तू अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया कि हम जो पापी मनुष्य से बच जाए, पर धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम किया। और आज परमेश्वर हम यही कह सकते हैं कि हम अपने आप को तेरे हाथों में दे देते हैं, मदद कर परमेश्वर, धन्यवाद तेरे वचन के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक को हाथ में देती हूँ यीशु के नाम, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस नेम, धन्यवाद।